वेलकम टू माई चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ अपना बालों का ग्रोथ को बढ़ा के आपके बालों को हेल्दी और सिल्की स्मूथी शाइनी बनाने का सिंपल घरेलू तरीका बताने वाली हूँ। इससे आपके बाल हेल्दी और स्ट्रांग होने के साथ ही साथ एक ही उसमें आपके बाल सिल्की स्मूथ और शाइन हो जाएंगे। वो कैसे करना है इस वीडियो में दिखाऊंगी, सो चलिए वीडियो को देखते हैं। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल हनीस ब्यूटी एंड हेल्थ और साइड पर बेल आइकॉन को आप प्रेस करने से मेरी सारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स आपको जल्दी से मिल जाती हैं, तो इसके लिए बेल सिंबल को जरूर क्लिक कीजिए। इस रेमेडी के लिए एक बॉल में नीम लीफ पाउडर और इसके बाद इसके अंदर ऐड करना है मेथी सीड्स पाउडर। मेथी सीड्स को रोस्ट करके आप पाउडर बना लेना चाहिए। इस पाउडर को आप इसमें यूज़ करना है। हाफ टेबल स्पून मेथी सीड्स पाउडर और दही, इसमें दही ऐड करके मिक्स करना चाहिए। अगर आपके बाल मीडियम हैं तो आप हाफ कप ही दही ऐड कर सकते हैं योगर्ट। अगर आपके बाल लॉन्ग हैं तो आप एक कप योगर्ट दही ऐड कीजिए। इससे आपके बालों का ग्रोथ बढ़ेगा, आपके बाल हेल्दी और स्ट्रांग हो जाएंगे। ये पैक ऑल हेयर टाइप के लिए सूटेबल है। इससे आपके बालों का ग्रोथ बढ़ेगा, आपके बाल हेल्दी हो जाएंगे। एक ही यूज़ में आपके बाल सिल्की स्मूथ और शाइनी हो जाएगा। ये पैक ऑल हेयर टाइप के लिए सूटेबल है, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। 100% सेफ, नेचुरल और इफेक्टिव है। ये आपके बालों को ग्रोथ को बढ़ाने के साथ ही साथ आपके बालों को हेल्दी बना देता है। इसको आप शैम्पू करने का आधे घंटे के पहले पूरा बालों में लगा लीजिए। आधे घंटे के बाद आपके बालों को पानी से वॉश करके शैम्पू कीजिए। इससे आपके बाल हेल्दी हो जाएंगे, सिल्की स्मूथी हो जाएगा, हेयर फॉलिंग एक ही यूज़ में कम होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल हनीस ब्यूटी एंड हेल्थ और साइड पर बेल आइकॉन को आप प्रेस करने से मेरी सारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स आपको जल्दी से मिल जाती हैं, तो इसके लिए बेल सिंबल को जरूर क्लिक कीजिए।